जानना चाहते हैं ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। अवार्ड्स की शाम वो शाम होती है जहां सितारों को मेहनत का फल मिलता है। हाथों में अवार्ड पाकर दिल, दिमाग और रूह को सुकून मिलता है, ये सोचकर कि मेहनत रंग लाई। एक ऐसी ही शाम का नजारा आपको दिखाते हैं जहां ओटीटी टीवी और सिनेमा का संगम नजर आया। सत्यजीत रे आइकॉनिक सिनेमा अवार्ड्स के हकदार शरद मल्होत्रा भी रहे और साथ साथ रवि दुबे, फहमान खान, विशाल सिंह, अनुपम खेर के अलावा और भी कलाकार नजर आए जो काफी खुश लग रहे थे। जो पॉपुलर ओटीटी फॉर मत्स्यकांड है, और ये मत्स्यकांड जो ऐसा शो था जिसके लिए हमने सबने बहुत जी जान एक कर दी थी, तो उसके लिए जब भी कुछ एक्नॉलेजमेंट अवार्ड मिलता है तो इट्स अ पैट ऑन द बैक फॉर एवरीबॉडी। लाइक आई सेड, इट्स अ हैप्पी प्राउड डे। इट्स बेस्ट मेल एक्टर फॉर टेलीविजन सीरियल इमली, जो कि करेक्ट चीज है क्योंकि देखो यार, बहुत दिल और बहुत मेहनत से हम लोग ने उस शो को बनाया है, बहुत प्यार से, बहुत अपने अपने बच्चे की तरह रहकर उसे हम लोग ने सब जान डाली है उसमें। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर एंड एवरीवन एंड ऑल द फैंस जो आज भी इतने टाइम के बाद भी साथिया को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं साथिया का। सो जस्ट वांट टू से थैंक यू। सत्यजीत रे एक ऐसा नाम है, जैसे इनकी एक फिल्म है द बिग सिटी, और मुझे इस बिग सिटी में ये अवार्ड मिला है, तो मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस सत्यजीत रे आइकॉन सिनेमा अवार्ड फॉर कश्मीर फाइल फॉर बेस्ट एक्टर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इयर्स, और सभी गानों को इतना ज़्यादा प्यार मिला एंड आई एम रियली थैंकफुल, और मैं चाहती हूँ 2023 इससे भी बड़ा और बेहतर हो। इट फील्स गुड एंड इट्स फॉर ये झुकी सी नज़र, सो इट्स अ स्पेशल मोमेंट बिकॉज यू नो मेरी परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने बहुत सराहा था, और जब आपको एक अवार्ड मिलता है तो यू फील मोर गुड एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड। अवार्ड की शाम को कलाकारों ने पहुंचकर और भी रोशन कर दिया था, और कहते हैं ना, मेहनत का स्वाद हर स्वाद से बेहतर होता है, जो ये कलाकार महसूस कर रहे थे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, जो पहचानेगा वो कुछ ना कुछ तो कहेगा कि अरे पिछली बार जो मौसी जी की बेटी की शादी पर सूट पहना था ना, उसका दुपट्टा केप की तरह लिया है, और वो जो ड्रेस है, अरे वो तो बंटी की बेटी की बर्थडे पे पहनी थी। वेल लेट देम गॉसिप, क्योंकि इनकी गॉसिप सुनने लायक नहीं है, सुननी है तो सुनिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई, और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ इस सीरियल, ये है चाहते की। अब इस सीरियल में ये बहुत बड़ा लीप होने वाला है, और सुनने में आ रहा है कि रेवती रुद्र और प्रिशा के पूरे परिवार को खत्म कर देगी। जी हाँ, रेवती की एंट्री हो गई है। रुद्र और प्रिशा लीप के बाद भी इस शो का हिस्सा रहेंगे, और इस लीप में एक और नई जोड़ी सामने आएगी, इस सम्राट और नयनतारा की। मेरे कानों में तो चुगली ये भी पड़ी है कि सम्राट का किरदार कोई और नहीं बल्कि अबरार काजी ही निभा सकते हैं। कहानी जैसे रुद्र और प्रिशा की शुरू हुई थी, नयनतारा और सम्राट की कहानी भी कुछ वैसी ही शुरू होगी।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब भी जैसा कि आप सबने देखा कि अक्षरा और अभिमन्यु पिकनिक पर गए हैं, तो इस पिकनिक को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए अक्षरा को दिखाया जाएगा कि जंगल में खो गई है। पूरा परिवार परेशान होगा, अब अक्षरा मिलेगी या नहीं ये चुगली मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वरना अक्षरा नाराज हो जाएगी। अगली चुगली में जरा सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन का ये प्रोमो देखते जाइए, जहां पर मोहन ने राधा से सवाल पूछा और उसका जवाब देना कितना मुश्किल हो गया है। तुम ये शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? क्योंकि क्योंकि राधा तुमसे प्यार करती है मोहन। क्या बकवास कर रही हो तुम दामिनी? हाँ कसम राधा, कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दामिनी ने गीता की कसम दिलवाई है, अब राधा क्या सबके सामने ये बता देगी कि उसे मोहन से प्यार है? क्या बकवास कर रही हो तुम दामिनी? हाँ कसम राधा, कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सही कह रही है, खुद से ज्यादा, बाकी बिहारी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ आपसे मोहन। अगली चुगली में जरा देखते जाइए रणदीप रॉय का ये नया लुक। जैसा कि आपको हमने बताया था कि सीरियल मीत में रणदीप की एंट्री हो गई है, तो जरा रणदीप का लुक भी देख लीजिए। रणदीप के साथ साथ सीरियल में मानुषी यानी कि मीत की बहन की भी एंट्री होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल धर्म पत्नी की, जो कि कलर्स टीवी पर अभी अभी शुरू हुआ है। सुनने में आ रहा है कि सीरियल में जल्द ही कीर्ति की मौत हो जाएगी। अरे भाई, जब एक हीरोइन गायब होगी तभी तो दूसरी हीरोइन की एंट्री होगी हीरो की जिंदगी में। अगली चुगली में सब टीवी पर आने वाले शो ध्रुव तारा का ये प्रोमो देख लीजिए। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि शशि सुमित का एक शो आने वाला है सब टीवी पर, ये वही शो है। इस शो में रिया शर्मा नजर आ रही है तारा के किरदार में। आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ सीधे ITA अवार्ड फंक्शन में, जहाँ पर रवीना टंडन आई थी। स्टेज पर शिवांगी जोशी का वो डांस देख रही थी टिप टिप बरसा पानी पर। तो उनके पास खड़ी जरा देखिए इस सवी का भी ये डांस। इस सवी ने अपनी ओर इन सब को खींच लिया। अगली चुगली लाए हूँ स्टार भारत पर शुरू हुए शो धीरे धीरे से की। इस शो का स्क्रीनिंग हुआ और देखिए प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी भी पहुंचे। अब ये शो स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस का है। मंझे हुए सितारे हैं सीरियल में, तो उम्मीद करते हैं कि सीरियल की कहानी दर्शकों को खूब भाएगी। So I think what a great experience and I feel very happy आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। I think hats off to all the people. ये एनर्जी बरकरार रखते हैं, रिजल्ट तो आता जाता है, हफ्ते दर हफ्ते टेलीविजन है। हम यू नो कहीं कुछ गलत जाएगा तो फिर हम वो ठीक करेंगे सब मिलकर, पर हार देंगे। तो लो भाई, मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे शादी वाले घर में ना भैया हर कोई इतना सेंटी रहता है कि किसी भी बात पर मुझे लगता है कभी भी ड्रामा हो सकता है। भाई आपने फूफा जी को कम इम्पोर्टेंस दी तो वो रुट जाते हैं, मासी को लगने लगेगा कि भैया हमको घर में नहीं ठहराया बाहर ठहराया वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे हंगामा तो हो गया है पंड्या हाउस में भी। जी हाँ, पापड़ बनाने पर हंगामा। एंड गेस व्हाट, एक्चुअली आप गेस कर ही नहीं पाएंगे कि इस बार हंगामा किसने किया। रावी, रावी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो तब कहेंगे जब पापड़ बनेगा, यहाँ पर तो पापड़ कौन बनाएगा इसे लेकर अभी हंगामा चल रहा है। और पापड़ बनाने को लेकर हंगामा कोई और नहीं, धरा और रावी कर रही हैं। नौकरी करनी इस सामने से रिशिता भी है लेकिन वो चुपचाप खड़ी है। अब वो क्या है ना, जब से चीकू गया है धरा परेशान सी है। छोटी छोटी बातें उसके दिल को लग जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौतम आया कि चलो धरा की मदद कर देता हूँ, लेकिन उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। अब उसने रावी से कहा कि रावी चलो तुम पापड़ बना दो। तब रावी का जरा एटीट्यूड तो देखिए, पापड़ बनाने को लेकर उसने इतना कुछ कह दिया जिसकी कोई हद ही नहीं थी। ये सही, ऋषिता चली जाए छुट्टी को विटामिन डी दिलाने, रावी की तबीयत खराब करती थी, बच्चा बच्चा कौन, रावी तो बच्ची उससे सारा काम करवा लेते क्योंकि उसकी तो नौकरी चली गई है ना, अब वो फ्री पड़ने बिल्कुल नहीं, ये सारा काम उससे करवा लेते। फिर क्या, धरा भाभी भी चुप नहीं रही, उसने भी रावी को करारा जवाब दिया। और इन दोनों के बीच जो हो रहा था उसे चुपचाप से ऋषिता और गौतम सुन रहे थे। और ये पापड़ बनाने का जिम्मा मैंने अकेले ने नहीं ले रखा है, जब इसे बेचकर सारे पैसे सबके में बराबरी के बढ़ते हैं ना, तो मेहनत में सबकी बराबरी की होनी चाहिए। आज पापड़ बनाने को बोल दिया तो आफत आ गई है सर। वही दूसरी ओर चीकू बीमार है, उसकी दवाई के लिए श्वेता के पास पैसे नहीं है। कभी भी चीकू को कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्वेता है कि अपने ही जिद में लगी हुई है। अब श्वेता इन दिनों जिस माहौल में रह रही है वो माहौल उसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जरा देखिए कि कैसे श्वेता ने सैर करवाई अपनी इस झोपड़ी की। आइए चलिए, टन 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 टन, वेलकम टू माय, दिस इज माय टेंट। As you can see, I have one bulb also. मेरा एक बल्ब भी है, मेरा एक इसमें मेरा दिखाने के लिए ये पेटी है मेरी, इसमें बैठ भी सकते हैं, बैठिए ना। ये है मेरा बेड जहाँ मैं सुकून की नींद सोती हूँ। पंड्या परिवार ने मुझे बहुत परेशान किया पर यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं आराम से सोती हूँ। वहाँ तो मतलब क्रिश के साथ बदतमीजी मेरे अलग से बेड लगा दिया था, एक रूम में तीन बेड, यहाँ मेरा एक रूम में एक बेड। और ये है, इसमें हम खाना भी पकाते हैं, और अभी चीकू को बुखार आ रहा था तो उसको पट्टियाँ भी हो रही थी। ये मल्टीपर्पस यूटेंसिल है। ये हमारा थोड़ा बहुत सामान है, हम सब नेबर्स हैं मेरे, अभी सब भाग गए हैं। और वो देखिए यहाँ पे हम खाना पकाते हैं। ये लकड़ी हम चुन चुन के लाए फिल्म सिटी के जंगलों से, और यहाँ पर हम अपनी पानी वाली दाल या फिर बिना पत्ती की चाय और बिना मुर्गे की बिरयानी बनाते हैं। और यह चीकू की डॉली है, मुझे रास्ते में मिल गई थी तो मैंने सोचा इसको चीकू के लिए ले लूँ, तो मैं इसको चीकू के लिए ले आई। बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इंडोर तो हमेशा ही शूट करते हैं ना ऐसे फैंसी फैंसी जगहों पर, कभी कभी ऐसी जगहों पर भी करना चाहिए, एक अलग फील है।
अब ये शूटिंग का सेट है, जैसा चाहो वैसा बन जाता है। इस सीरियल में आप सबको ये सब कितना रियल दिखता होगा, लेकिन असल में ये पूरा सेट बनाया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पंड्या परिवार में श्वेता कब लौटती है। जब श्वेता लौटेगी तब उसके साथ चीकू भी लौटेगा और तब कहीं जाकर धरा को चैन मिलेगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी ससुराल सिमरका की जो सिमर है ना, वो सर्कस देखने गई है ना बाबा। आने वाली पिक्चर की बात नहीं करी, वो तो एनीवेज रिलीज नहीं हुई है, कैसे देखेंगी, लेकिन एक्चुअल वाला सर्कस। और अगर आपको लग रहा था कि यहाँ पर उनको कलाबाजी करते हुए कुछ आर्टिस्ट दिखेंगे, कुछ जानवर दिखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उनको मिल गई है काला जादू करने वाली एक महिला। आज तेरा एक एक बार तेरे अंदर के प्राणों की एक एक तार को निकाल देगा। सर्कस में होने जा रहा है एक और सर्कस। जी हाँ, सिमर अपने पति आरव और लाबोनी के साथ पहुंच गई है सर्कस में। लाबोनी को जरा देखिए, आज दुल्हन बनकर वो तैयार है अपनी शक्तियों से सिमर और आरव को बर्बाद करने के लिए। आज तेरा एक एक बार तेरे अंदर के प्राणों की एक एक तार को निकाल देगा। सिमर ये जानती है कि लाबोनी काला जादू करती है, तभी तो वो तैयार है उसकी काली शक्तियों से निपटने के लिए। माँ दुर्गा का लॉकेट लिए और साथ में माता के जयकारे लगाते हुए सिमर उतर गई है इस सर्कस में। अब इस सर्कस से लाबोनी और उसके पति का बहुत पुराना नाता है। क्या नाता है वो खुद बता रहा है आरव को लाबोनी का पति। आज इसकी वजह से ये सब हुआ, वो खाक हो जाएगी। अब यहाँ पर ना कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पर लाबोनी जहाँ एक और आरव को चाह रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जब लाबोनी का पति सिमर की तारीफ कर रहा है ना, तो कुछ अलग ही अंदाज बयां कर रहा है। आने दो लाबोनी को, आज की रात उसकी आखिरी रात। लेकिन सच कहूं तो लाबोनी को देखने से ज्यादा इच्छा मेरी सिमर से मिलने में। जरा देखे तो सही कि एक बहादुर, निडर और इतने हौसले वाली लड़की आखिर दिखती कैसे। लाबोनी का चैप्टर खत्म होगा तो लगता है इन जनाब का शुरू हो जाएगा सिमर के पीछे ही ये पड़ जाएंगे, यानी कि आरव अब आपको सिमर को बचाना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, पुराना जमाना ना बड़ा कूल होता था, बड़े गिने चुने, मतलब कि
समझ आने वाले फंक्शंस होते थे, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, उसके बाद शादी, बात खत्म। आजकल तो भैया शादी के आगे पीछे इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। वैसे समझ तो बेचारे सावी और नित्यम को भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब देखिए ना, एक रिक्शा चलाती थी शादी से पहले, तो दूसरे हैं बिजनेस वाले इंसान, और दोनों को करना पड़ रहा है सालसा। कैसे आएगा समझ? सावी के इस डांस को देखकर हम ये कहेंगे कि डांस तो भाई इन दोनों के बस की बात है ही नहीं। एक तरफ सावी है जो रिक्शा चलाती थी, और एक तरफ नित्यम है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। भला इन दोनों को अपने कामकाज के चक्कर में ये डांस वांस सीखने की फुर्सत कहाँ मिली है। इसीलिए तो अब जब दोनों को ये डांस करना पड़ रहा है, तो जरा देखिए ना ये दोनों कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब भाई शादी भले ही हो गई है इनकी, लेकिन इनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कहाँ है। अब राइटर साहब ने सोचा होगा कि ऐसे छोटे छोटे सीन से ही इनके बीच थोड़ा बहुत प्यार वाला माहौल क्रिएट होगा। हो सकता है कि ये डांस सावी और नित्यम के प्यार की शुरुआत हो। अगर ऐसा हुआ ना तो अच्छा होगा, क्योंकि रोमांस तो हमेशा से टीवी पर कपल्स के बीच लोग देखना ही चाहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है सर्दी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके स्टाइल में कोई कमी आनी नहीं चाहिए और साथ में ठंड लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि शादी के इतने सारे फंक्शन हैं, पहले दूसरे में ही बीमार पड़ गए तो बाकी सब में क्या करेंगे। वेल, उसके लिए ट्रिक आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो भैया जश्न मनाने का मौका है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी। आखिरकार अक्षरा जो है वो ट्विंस को जन्म देने वाली है, और वहीं सबको ऐसा लगता है कि आरोही भी गुड न्यूज देने वाली है। सब कुछ अच्छा होता है ना, तो आने वाला कल भी सुनहरा होता है। गोयनकाज और बिरलाज इनकी बस निकल पड़ी है आज पिकनिक के लिए। अब क्या करें, बड़े दिनों बाद परिवार को दोहरी खुशी जो मिली है। अक्षरा बहुत जल्द ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली है, तो इतनी बड़ी खुशखबरी पर एक बड़ी पिकनिक तो बनती ही है। जरा देखिए गोयनकाज और बिरलास के एक एक सदस्य को, जो आज एकदम खुशी से झूम रहा है। पिकनिक के
मूड में, बोले तो एकदम कूल डूड बनकर ये आए हैं। पहले डांस होगा, फिर सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद पापा अभिमन्यु बस पर अपनी खुशी दिखाएंगे और फिर तब कहीं जाकर एक एक करके सब बस में बैठेंगे। अब पिकनिक का ये पल है बहुत दिनों बाद सीरियल में नजर आया है और अच्छी बात तो ये है कि अभी तक यहाँ पर है ट्विस्ट या कोई बुरी खबर की बात ही नहीं चली है। इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे कि इस पिकनिक को आप कितने नंबर देंगे तो हम तो यही कहेंगे कि पूरे 10 में से 10। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, आपको सत्य पे सत्ता का वो गाना याद है, बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती। Well, अगर आप भी किसी पार्टी में आए हैं तो भैया नींद आएगी भी कैसे, लेकिन बत्तियां बुझाने वाला खेल तो आज हम खेलेंगे मोनालिसा और कृष्णा के साथ। वो क्या है ना कि इनका नया वेब कंटेंट आने वाला है जिसका नाम है हसरतें। मोनालिसा और कृष्णा मुखर्जी की आज SBS ओरिजिनल्स पर उनकी हसरतें पूरी होंगी, क्योंकि उन्हें याद आ जाएगा उनका बचपन, क्योंकि होगा ऐसा खेल जो दिमाग की बत्ती जला देगी। लेकिन हाँ, यहाँ दिमाग की बत्ती जलाना नहीं बल्कि बत्ती बुझाना है। तो शुरू करते हैं ये अनोखा गेम। क्या क्या दिख रहा है, मैं तो अभी से डर गई। मैं तीखा नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खा सकती। तो हम ये अभी जो कैंडल्स हैं यहाँ पे, इनको ब्लो करेंगे, बुझाएंगे, और कैंडल्स जहाँ तक जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे करेला है, मिर्ची है, मिठाई है एंड लेमन है, ये सब कुछ जहाँ तक गया, जहाँ जहाँ तक बुझा, हमें वो खाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खेलना। ठीक है, देन यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। नहीं, वहाँ पे भी बुझाना, ये बीच वाला रह गया। ओह शिट, इवन गॉड डजंट वांट मी टू ईट मिठाई। तुमने कुछ एक्स्ट्रा किया क्या इसमें? बहुत खट्टा हुआ। मीठा।
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मिर्ची भी नहीं खाती, तुम करेला भी नहीं खाती, तुम्हें सब कुछ करना पड़ा। मैं मिठाई पसंद करती हूँ, देखो ये आ रहा है ये सब। मेरा तो बिल्कुल नहीं चमका, मैं एक बार मिर्ची खाई और एक बार करेला खाई। माइनस ओके, लेमन एंड मिठाई, लेमन एंड मिठाई, वाओ। बट हाईलाइट बात ये है कि दोनों को अलग अलग ही मिला एवरी टाइम, है ना? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आया हमें। थैंक यू सो मच SBS ओरिजिनल्स, बहुत बहुत ही मजा, फन गेम था, पहली बार सब कुछ किया मैंने ऐसा। न्यू थिंग्स टुडे, मिर्ची जो ये खाती नहीं है, करेला जो ये खाती नहीं है, ये गेम भी न्यू है मेरे लिए। तो आप लोग भी देखिए और फिर ट्राई कीजिए, पार्टी टाइम है अभी, ये सब होगा अभी। ABP News, आपको रखे आगे।